दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति लाने से नाराज बीजेपी के पदाधिकारियों और नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की इस नीति पर अपनी नाराजगी जताते हुए राजधानी दिल्ली के कई रास्तों पर जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद भाजपाइयों का प्रदर्शन नहीं थम रहा। अरविंद केजरीवाल की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में अब से शराब पीने वालों की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। साथ ही लड़कियों के लिए दिल्ली में कई सारे पब भी बनाए जाएंगे। आदेश गुप्ता का कहना है कि केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति नौजवानों और गरीबों के घरों को बर्बाद करेगी। हम इन नीतियों के विरोध में दिल्ली में चक्का जाम कर रहे हैं। केजरीवाल ने शराब व्यापारियों से 2000 करोड़ रुपए लेकर ये नीति बनाई है। केजरीवाल एक तरफ पंजाब के लोगों को कह रहे हैं कि मैं पंजाब में नशा बंदी करूंगा, वहीं दिल्ली में वार्ड में 3 से 5 ठेके खोलने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के अक्षरधाम क्रॉस रोड पर चक्का जाम का नेतृत्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ही कर रहे हैं, तो वहीं सांसद गौतम गंभीर विकास मार्ग के कार बाजार में व सांसद रमेश बिगुड़ी दयाराम चौक में होने वाले चक्का जाम विरोध प्रदर्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य पदाधिकारी सहित भाजपा विधायक भी विभिन्न स्थानों पर होने वाले चक्का जाम कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से आज हर कोई परेशान है। घर की महिला, बच्चे, माँ बाप कौन शराब में डूब करके आएगा? कौन ये देखना चाहता है कि उसकी बेटी, उसका बेटा माँ बाप के सामने शराब पी करके आए? कौन ये देखना चाहता है कि युवावस्था में रात के 4 बजे तक शराब के ठेके खोले जाए और अरविंद केजरीवाल पैसा कमाने के लिए वह शराब परोसे? आज उसी के विरोध में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने चक्का जाम किया है। पूरी दिल्ली जाम है, हर तरफ जाम ही जाम है। लोग अपने घरों से निकले और सड़कों पर खड़े हैं, और वो इसलिए खड़े हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अभी भी नहीं जागी और उसने नहीं समझा कि एक तरफ राज्य में शराब बंदी की बात करता है, यहाँ शराब मोहल्ला शराब के क्लिनिक खोल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर केजरीवाल ने शराब की नीति वापस नहीं ली तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बेशक अपने प्राणों की आहुति देगा, लेकिन शराब नीति और दिल्ली को शराब का अंदर नगरी बनने नहीं देगा। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के इस प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा है कि नई नीति से शराब माफियाओं की कमर टूटी है। इन लोगों का कभी न कभी बीजेपी नेताओं से गठजोड़ हो रहा है, इसीलिए ये सारा प्रदर्शन हो रहा है और जबरन नई आबकारी नीति को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।